अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास गाजी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। ये एक एलजी का टीवी है। इसका जो फॉल्ट जो आपने थंबनेल में फोटो देखी होगी कि इसकी जो स्क्रीन है वो वाइट हो जाती है। एलजी के काफ़ी मॉडल हैं जिनमें वाइट स्क्रीन का काफ़ी प्रॉब्लम ये जो है इन सब एलजी के टीवी में बहुत ज़्यादा आती है। ये प्रॉब्लम कैसे आती है और इसको दूर कैसे किया जाता है वो मुकम्मल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं ये एलजी का टीवी है। ये आईसी भी में इसका मेन जंगल आईसी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फॉल्ट है ये आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। एलजी के जितने भी टीवी हैं इनमें दो फॉल्ट होते हैं। एक होता है यहाँ पर ये जो इसकी सीआरटी बेस लगी हुई है, ये बेस इसकी जो है ये अक्सर खराब होती है। अगर ये बेस खराब ना हो तो इसके अलावा एक और भी इसका फॉल्ट होता है। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि भाई यही बेस ख़राब है तो चलो भाई इस बेस को चेंज कर दिया और ये फॉल्ट हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफ़ी कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं वाइट स्क्रीन के जो इस बेस सीआरटी बेस चेंज करने से भी इसके फॉल्ट हल नहीं होते। वो फॉल्ट कैसे हल होते हैं वो मुकम्मल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं पहले आपको बता दूं जो इसका जो फॉल्ट आ रहा है उसका जो वोल्टेज है दोस्तों इसका जो ये नेक बोर्ड है इस पर ये आप ये देख सकते हैं इसकी ये है ब्लू गन। ठीक है, ब्लू गन पर तकरीबन 160-170 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज आता है और इसकी ये ग्रीन और रेड जो है यहाँ पर बिल्कुल वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन ये जो ब्लू है ना ब्लू पर वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, तकरीबन 30 से 35 वोल्ट आ रहे हैं, वो भी ब्लिंक कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो स्क्रीन है वो भी ऐसे ब्लिंक कर रही है और वाज उसकी आवाज़ भी आती है। ठीक है, ये फॉल्ट मैं आपको इंतहाई इजी तरीके से बताऊंगा। ये इसका ये सीआरटी बेस है, इस सीआरटी बेस लोग क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं, लेकिन ये सीआरटी बेस का ये मसला नहीं है। काफ़ी फॉल्ट होते हैं, ये दो फॉल्ट होते हैं। एक तो होता है सीआरटी बेस, जिनका ये सीआरटी बेस का मसला नहीं होता उसका एक और प्रॉब्लम होती है, एक रेजिस्टेंस खराब होती है, वो आपने चेंज करें। वो रेजिस्टेंस कौन सी है वो मैं आपको नीचे सर्किट में बता देता हूँ। ये देख सकते हैं वो मैं रेजिस्टेंस कौन सी है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो आपकी किट है उसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगी, कौन सी होगी, वो होगी R504। ये इसके जंगल आईसी के साथ, ठीक है, ये जंगल आईसी कौन सा लगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, TDA9381PS7। ठीक है, ये इसका जंगल आईसी है, इस जंगल आईसी के साथ ही बिल्कुल ये इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के साथ ही ये रेजिस्टेंस लगी हुई है R504। यहाँ पर जो लगी हुई है रेजिस्टेंस वो कौन सी और आपने इसकी जगह पर कौन सी लगानी है ये आपने गौर से सुनना है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है 39 ओम की, तो आपने क्या करना है यहाँ पर 39 ओम की रेजिस्टेंस आपने नहीं लगानी, यहाँ पर आपने लगानी है 39K की। ठीक है, 39K 39 ओम की जगह आपने 39K की रेजिस्टेंस लगाना है। ये तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ओरिजिनल लगी हुई और आप हमें 39K की रेजिस्टेंस कह रहे हो, भाई आपने 39K ही रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है, आप ये चेंज करेंगे तो आपका जो फॉल्ट है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। इसमें भी ये फॉल्ट आ रहा है, ये मैं अभी आपको चेंज करके चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी जंगल आईसी की जो 25 नंबर पिन है, ये वाली जो पिन ये आप देख सकते हैं ये इसकी है 25 नंबर पिन पर ये 39 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस को क्या करना है हमने चेंज कर देना है, इसकी जगह हमने कौन सी लगानी है वो हमने लगानी है 39K। ये मैं चेंज कर लेता हूँ और आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों हमने इसमें रेजिस्टेंस जो है वो लगा दिया, यहाँ पर मैं इसको अब सोल्ड कर देता हूँ। ये देख सकते हैं ये हमने अब रेजिस्टेंस को यहाँ पर सोल्ड कर दिया है। अब हम इसके चेक करते हैं कि भाई आया हमारा जो ये फॉल्ट है ये अब दूर हुआ है या नहीं हुआ, ये मैं अभी चलाकर आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जंगल आईसी की पिन नंबर 25 पर 39 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है 39 ओम की। आपने क्या करना है 39 ओम की नहीं लगानी, आपने 39K की रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है, 39 ओम की आपने बिल्कुल नहीं लगानी, 39K की जगह आपने 39 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है तो आपका ये फॉल्ट बिल्कुल हल हो जाएगा। ये फॉल्ट वाइट स्क्रीन का आता है, ये सीआरटी बेस के चेंज करने से दूर नहीं होता, ये मैं बार बार बता दे रही हूँ।
इस तरह की वीडियो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। यही आपने बस रेजिस्टेंस को चेंज कर देना और आपका जो फॉल्ट है वो हल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्रामेबाजी बंद करें आप। दोस्तों ये देख सकते हैं टीवी मुकम्मल अब ऑन हो चुके हैं। आप देखिए इसकी लुकिंग कैसे आपको नजर आ रही है, ठीक है। मुकम्मल इसकी फोकसिंग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब जो व्हाइट स्क्रीन था वो भी फॉल्ट इसका हल हो चुका है। तो दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, बस यही सीआरटी न्यूज को आपने चेंज कर देना तो आपका जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को लेकर